पश्चिम बंगाल के चिटफंड घोटाला हुआ, मेरे गरीब भाइयों और बहनों का पैसा ये चिटफंड के नाम पर उसको लेकर के दीदी के मंत्री, दीदी के विधायक, दीदी के साथी भाग गए, उन्होंने गरीबों को लूट लिया। जिस गरीब ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई बहुत विश्वास के साथ चीट फंड वालों को सौंपी थी, उसे अपने साथियों के जरिए तबाह करने का काम, बर्बाद करने का काम दीदी ने किया है। साथियों, गरीब जब बीमार होता है तो उसकी सबसे बड़ी चिंता होती है इलाज का खर्चा। गरीब की इसी चिंता को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने गरीबों के लिए, गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की। गरीब को कहा कि बीमारी की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा, आपको एक भी रुपया अस्पताल में खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये स्पीड ब्रेकर दीदी ने क्या किया? दोस्तों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, करने वाली इस योजना पर पश्चिम बंगाल में ब्रेक लगा दिया गया। भाइयों और बहनों, स्पीड ब्रेकर दीदी के कारनामों के लिए बहुत लंबी है। दीदी ने पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के लिए उनके विकास के काम पर भी ब्रेक लगा दिया है। देश के तमाम राज्यों में पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, लेकिन दीदी तो दीदी है, स्पीड ब्रेकर है, इसलिए पीएम किसान सम्मान योजना पर भी उन्होंने पश्चिम बंगाल में ब्रेक लगा दिया है। भाइयों और बहनों, ये भाजपा एनडीए की सरकार है जिसने गरीब, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, भारत माता की, आप थोड़ा शांत रहेंगे, आपका उत्साह, ये आपकी चेतावनी दीदी तक पहुंच गई है, ये आपका प्यार दीदी की नींद हराम कर देगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलना जारी रखूं। बोलूं क्या? लेकिन आप इतने नारे फुला रहे हो, आपका उत्साह इतना जबरदस्त है कि मेरे लिए बोलना भी मुश्किल है। ऐसा प्यार बंगाल मुझे दे रहा है, मैं सर झुका करके नमन करता हूं। ये भाजपा एनडीए की सरकार है जिसने गरीब और
मध्यम वर्ग के जीवन पर उसने जो कमाई को उसको लूटने से बचाने के लिए रेरा का कानून बनाया। इसका मकसद यही था कि मध्यम वर्गीय परिवार अपना घर खरीदने जा रहा है लेकिन परिवार का पैसा कोई बिल्डर लूट करके भाग न जाए, इसको रोकने के लिए, गरीब और मध्यम वर्ग के हक को रोकने के लिए हमने रेरा कानून बनाया। लेकिन दीदी ने ये रेरा कानून को लागू करने से ही मना कर दिया।